नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। ये शुरुआत करते हैं खबरों की। जबलपुर नगर निगम के 16 जोनों में हुए अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा ने 11 जोनों पर अपना दबदबा कायम रखा है, जबकि 5 जोन के अध्यक्ष पद कांग्रेस के खाते में गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के 11 नगर निगम जोन अध्यक्षों का सम्मान कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में रखा गया। पार्टी के लोगों का कहना है कि नगर निगम जोन अध्यक्ष के चुनाव में 11 जोन में भाजपा के पार्षदों के जीतने से पार्षदों के संबल मिलेगा और निश्चित ही जबलपुर के विकास से सभी कार्य मिलकर करेंगे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। जबलपुर महानगर के नगर निगम के 16 जोन में आज अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हुए। भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे जिले के जो नेतृत्व ने बैठकर योजना बनाई थी कल से लेकर आज तक, वो सभी पार्षदों के साथ मिलकर जो तय हुआ, उसमें से आज की तारीख में 11 जोन में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बैठ रहे हैं। आने वाले समय में एक और 2.5 साल में जो समझौता हुआ है उसमें बराबर बराबर तो एक और मिलेगा। इस तरह कुल 12 जोन अध्यक्ष होंगे, लेकिन आज की तारीख में हमारे 11 जोन अध्यक्ष बैठ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जनता का, के साथ जो जनता ने वोट दिया था उसका एक विश्वास व्यक्त किया गया है। मैं तमाम जितने हमारे नियुक्त जो हम आज चुने गए हमारे अध्यक्ष हैं सबको बधाई देता हूं, और अब हमारे साथ जबलपुर के पूरे नेतृत्व को श्री अशोक जी, श्री अंचल भैया, अभिलाष जी, सदानंद जी, माननीय सांसद राकेश सिंह जी जो जिनका निर्देश मिलता रहा, ऐसे सभी लोगों को, रिंकू विद जो हमारे नगर निगम के अध्यक्ष, सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और इस जीत की सबको शुभकामना देता हूँ। आज नगर निगम में जोनों में अध्यक्षों के चुनाव हुए, सभी अध्यक्षों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सभी जोन अध्यक्षों का सम्मान कर रहे हैं। निश्चित रूप से जितने भी अध्यक्ष चुनकर आए हैं वो सभी पार्षदों को साथ में लेके क्षेत्र के वार्ड के विकास के लिए काम करेंगे और उन सभी को उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।